फाइव सेल्स सीक्रेट्स के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मैं फाउंडर चेयरमैन हूं। हम हमारे जो बोरोवर्स है उनको लोन तो देते ही है, उसके साथ साथ उनको बिजनेस के बारे में सेमिनार्स वर्कशॉप्स करते हैं। उसके अंतर्गत हम जो प्रोग्राम लेते हैं तो उसमें से मैं कुछ आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ये वीडियो के माध्यम से। सेल्स से दुनिया का बहुत आसान काम है, उसके पांच सीक्रेट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो, सेल आप बी टू बी करेंगे मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, या बी टू सी करेंगे मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर करेंगे, या बी टू सी करेंगे बिजनेसमैन टू कस्टमर करेंगे, या सी टू सी करेंगे, जो भी होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है कि नहीं है, पीएसपी है कि नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है वो लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि आपका प्रोडक्ट लोगों के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है तो आप प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे? आपको तो लोगों को मूर्ख बनाना पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो नंबर एक क्या है? नंबर एक ये है कि पीपल जो है, लोग जो है, उनको कभी भी अच्छा लगता नहीं है कि उनको माल बेचा जाए। आप जब लोगों को माल बेचते हो उसको कभी अच्छा लगता नहीं है, मतलब आप उसके साथ में जाते हो, पहला आपका एनकाउंटर है, पहली बार आप उनको मिलते हैं, आपके दिमाग में है कि मैं अपना माल इसको कैसा बेचूं, किस तरह से उसका माल बेचूं, कैसा ये खरीदेगा। तो लोगों को वो बू आती है, वो बदबू लोगों को आती है कि माल बेचने आया हुआ है। लोगों को सपोर्ट आप जब करते हो, लोगों को हेल्प करते हो, तो पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड आउट, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। उनको हेल्प कर दिया, उनको सपोर्ट कर दिया, उनका प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम भी उनको सपोर्ट कर दिया तो उनको अच्छा लगता है। तो आप कस्टमर की पुरानी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी वो देखो, या फ्यूचर में आने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी या आती है तो उसको कैसा सॉल्व करेंगे वो बताओ। देखो, कोई भी स्ट्रेंजर के साथ में कोई लेडी सोएंगी नहीं ना एकदम, जब तक अक्वेंटस नहीं तब तक। कोई भी व्यक्ति के साथ में आप बड़ी डील नहीं करेंगे जहां उसको पहचान नहीं तब तक, मतलब कोई भी स्ट्रेंजर के साथ में कोई भी बड़ा व्यवहार कोई करेगा नहीं जब तक उसके साथ में वो एक्वेंटेड नहीं है। जब तक उसको ऐसा लगेगा मेरे को माल बेचने आए हुए, तो एकदम डिफेंसिव में जाता है और आपसे वो दूर भागना चालू कर देता है। तो ये नंबर एक हो गया कि लोगों को आप माल मत बेचो, लोगों की सहायता करो। नंबर दो, उसको क्या चाहिए वो देखो। यदि आप खोदेंगे नहीं, उसको चाहिए क्या वो देखेंगे नहीं, और जबरदस्ती अपना माल उसको बेच रहे तो कोई खरीदने वाला है नहीं। मास्टर जी ने बच्चों को पूछा, बच्चों आप लेट क्यों आए? बच्चों ने जवाब दिया कि बुढ़िया को रास्ता पार कर रहे थे। बोले, रास्ता पार करने के लिए आधा घंटा क्यों लगता है? नहीं, बोले बुढ़िया रास्ता पार करना नहीं चाहती थी, जबरदस्ती रास्ता पार करवाना पड़ा इसलिए उसको टाइम लग गया। बुढ़िया को चाहिए वहीं खड़े रहना, आप बुढ़िया को रास्ता पार करवाने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, इतना टाइम लग जाता है। जबरदस्ती नहीं करना है, उसको क्या चाहिए, उसको रास्ता पार करना है क्या, उसका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको खोदना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, आपका प्रोडक्ट यूं है, आपका प्रोडक्ट यूं है, वो छोड़ दो, उसका क्या प्रॉब्लम है वो देखो और उसके लिए खोदो। जब आप खोदेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम कौन सा है, उसके बारे में आप बातचीत करेंगे। ये हो गया नंबर दो। फिर नंबर तीन हो गया, आइडेंटिफाई द मैन। इसका मतलब है कि MAN, मैन, मैन मतलब जिसके पास में मनी है, अथॉरिटी है और नीड है, वो आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। मनी भी होना चाहिए उसके पास में, अथॉरिटी भी है और नीड भी है। अभी मैं इसमें बोलूंगा अथॉरिटी है कि नहीं है, वो की डिसीजन मेकर है कि नहीं है। जब आप माल खरीदने जाते हैं, समझो आप ऐसा देखो कि तीन लेडीज साड़ी खरीदने के लिए दुकान पे गई, तो दुकानदार भी जब माल बेचता है तो देखता है कि भाई इसमें की डिसीजन मेकर कौन है, कौन अथॉरिटी है, सास है, ननंद है कि बहू है। तो जो की डिसीजन मेकर है उसके तरफ देख के वो बात करता है और उसको माल बेचता है, कि उसको मालूम है कि की डिसीजन मेकर सास है तो वहां वही बात करता है, वो उसके पास में बजट है। बेचने के समय आपको पांच प्रकार की मेंटेलिटी का ध्यान रखना जरूरी है। वो पांच मेंटेलिटी ऐसी होती है कि वो जो खरीदने वाले हैं उसमें से एक है इनिशिएटर, मतलब ये सेल करना है या मतलब खरीदना है, वो इनिशिएट करने वाला व्यक्ति, इनिशिएटर। दूसरा है इन्फ्लुएंसर, वो सेल के ऊपर किसका प्रभाव ज्यादा है, कौन प्रभाव डाल सकता है, वो इन्फ्लुएंसर। तीसरा है डिसाइडर, एक्चुअली निर्णय कौन लेता है, एक्चुअली निर्णय कौन ले रहा है। चौथा है बायर,
एक्चुअली खरीद रहा कौन है, और पांचवा है कंज्यूमर, एक्चुअली उसका वापर कौन करने वाला है। तो समझो अभी आप 10th क्लास स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं, वो तो बच्चे को कोर्स बेचने का है आपको, मगर वो कंज्यूमर कौन है, बच्चा है। बायर कौन है, बायर उसके पिताजी है, मगर डिसाइडर कौन है, डिसाइडर उसकी माँ है। उसकी माँ डिसाइड करती है कि क्या किसको करना है। तो बायर पैसा देने वाला कौन है, पिताजी है। अभी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस करने वाला कौन है, हो सकता है कि उसका दोस्त होगा, उसके दोस्त के माँ बाप होंगे, उन्होंने कोर्स खरीदा होगा तो वो होगा, तो वो इन्फ्लुएंस करने वाला होगा, या उनके क्लास टीचर ने बोला होगा। इनिशिएट ये कौन करता है सब पूरा, कोई ग्रुप में चर्चा हो गई होंगी कि नहीं हमको सबको मिलकर ऐसा करना है, मतलब इनिशिएट एक्चुअली आइडिया लाया किसने, वो इनिशिएटर है। इन्फ्लुएंसर, ये आइडिया के ऊपर ये खरीदना है, इसके ऊपर प्रभाव कौन डाल रहा है, इन्फ्लुएंसर। तीसरा एक्चुअली डिसाइडर कौन है, वो कोर्स खरीदना है तो माँ डिसाइडर है, माँ बोलती नहीं ऐसा ऐसा करने का है। पैसा कहाँ से आ रहा है, बायर पिताजी, एक्चुअली कंज्यूम कौन कर रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के ऊपर उसका एडवर्टाइजमेंट करके कुछ फायदा नहीं, स्टूडेंट को माल बेचना ही नहीं है, स्टूडेंट सिर्फ कंज्यूमर है, बच्चा विद्यार्थी है सिर्फ कंज्यूमर है, उसके ऊपर अपनी एनर्जी गंवाने का नहीं है। अपनी एनर्जी कहाँ गंवाने का है, माँ के ऊपर जो डिसाइडर है। चौथा जो है वो है कि भाई उसका बजट क्या है, उसके बारे में हमारी क्लैरिटी होना जरूरी है जब आप बेचते हैं। तो पहला जो है जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए वो है कि जिसके पास में पैसा है और जिसको उसकी जरूरत है, मनी भी है और वांट भी है। ये हमको यदि मालूम है कि मनी भी है, पैसा भी है और वांट भी है, उसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए, हमारी एनर्जी वहां लगाना चाहिए, क्योंकि वहां चांस ज्यादा है कि हमारा माल बेचे जाएगा। दूसरा जो है कि जो एकदम ही फोर्थ कैटेगरी का है, जहां फोर्थ कैटेगरी मतलब एक कैटेगरी हमने निकालते हैं, तो उसमें कहा कि जिसके पास मनी भी नहीं है और वांट भी नहीं है, मतलब जिसको जरूरत भी नहीं है और वांट भी नहीं है, उसके ऊपर टाइम गंवाने में मतलब नहीं है, छोड़ दो उसको, मनी पैसा भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो उसको, उसके ऊपर हमको टाइम गंवाने का नहीं है। तीसरा हो सकता है कि मनी है मगर वांट नहीं है, पैसा है मगर उसको जरूरत ही नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं कि उसके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की जरूरत निर्माण करना, वांट निर्माण करना। तो वांट जब हम निर्माण करेंगे, पैसा उसके पास में है तो वो ले सकता है, तो मनी है मगर वांट नहीं है, तो वांट हम निर्माण कर सकते हैं। और चौथा जो है कि मनी नहीं है मगर वांट है, उसको जरूरत है, उसकी इच्छा है खरीदने की, पैसे नहीं है। तो अभी ऐसा ही आदमी है कि जिसके पास में इसकी इच्छा है मगर पैसा नहीं है, तो उसको हम चैरिटी करवा सकते हैं, कम पैसे में माल बेच सकते हैं, किसी से डोनेशन ले सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, तो हम ऐसा इस तरह का माल बेच सकते हैं। पांचवा जो इसमें जो सीक्रेट है वो है कि आपकी रिलेशनशिप उसके साथ में कैसी है। आप माल बेचने के अलावा उसके जिंदगी में कितना घुसे हुए हैं, आप उसके साथ में रिलेशनशिप में है कि नहीं है, और रिलेशनशिप मतलब ऐसे कि उसके फैमिली के साथ में, फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं, उनकी आय क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों की एडमिशन कहीं नहीं हो रही है, उसके लिए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, उसके बीवी का उसका झगड़ा हो रहा है, वहाँ वो डिवोर्स में बात चली गई, डिवोर्स तक की बात चली गई, वहाँ मैं उसको कोई काउंसिलिंग के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ क्या, वहाँ उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं, मतलब अपनी रिलेशनशिप कैसी है कि आप उसके फैमिली का एक अविभाज्य घटक बन जाते हो, एक ऐसा व्यक्ति की जिसके लिए आपको आपका प्रोडक्ट जो है उसके अलावा आपके पास में वो आता है, आप उसको सलाह देते हो, आप उसके साथ में रिलेशनशिप में है, तो इतनी अच्छी रिलेशनशिप यदि उसके पास में है तो आपको तो प्रोडक्ट उसने लेना ही चाहिए। उस समय वो कीमत भी देखेगा नहीं कि बाजार से मुझे सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। तो ये पांच सीक्रेट जब आप देखते हैं तो आपको, जब ये पांच सीक्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझेगा कि मैंने अपना एक अच्छा सेल्समैन करके मैं काम कर सकता हूँ, आपका अच्छा सेल होगा। तो पांच में क्या क्या है कि एक, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड। नंबर दो, खोदो, डिग इनफ कि उसको क्या चाहिए। तीसरा जो है, ऑथोरिटी है कि नहीं है वो ढूंढो, उसका की डिसीजन मेकर कौन है, ऑथोरिटी कौन है, उसको माल बेचना है, उसके ऊपर अपने को टारगेट करना है। चौथा जो है कि हमको जिसके पास में मनी है और वांट है उसको पहले फोकस करने का है। और पांचवा जो है हमको रिलेशनशिप बिल्ड करने का है। तो ये हम करते हैं, तो ये चार पांच सीक्रेट जो है, ये पांच सीक्रेट का वापर करेंगे तो एक अच्छे सेल्समैन करके आप होंगे, अच्छा माल बेच पाओगे, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी जो सेल करते हैं, सेल डिपार्टमेंट जहां जाए वहां उनको माल जहां बेचना पड़ता है वहां उनको शेयर करो, ताकि वो अपना लेवल एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे, अपना सेल एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करो।
आपको कोई भी प्रॉब्लम होंगे तो ऑनलाइन आप हमारे से कॉल कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम के लिए मदद करने को तैयार है। मेरा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आप चैटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत और फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरीवन, सबके लिए आर्थिक सुबत्ता कैसे मिलेंगी, आप भी उसमें हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।